दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों ने महलों के बारे में खूब सुना होगा, खूब महल देखे भी होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके खुद के महल होंगे और कई लोग मेरे जैसे होंगे जिन्होंने कभी कभी महल देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा महल दिखाने जा रहे हैं जो पूरे गांव का महल है। ये सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लगेगा कि गांव का महल कैसा होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि गांव का महल कैसा होता है, जो महल पूरे गांव के काम आएगा। जी हाँ, जो अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये गांव के महल की हैं और इस महल का आज उद्घाटन है। उस उद्घाटन में आप देखिए कि पूरा गांव उमड़ आया है। यहाँ पर कई लोग आएंगे, मंत्री आएंगे, नेता आएंगे, गांव के लोग आएंगे, बड़े बड़े अफसर आएंगे। लेकिन भला जिस गांव के महल का उद्घाटन हो तो ये लवाजमा देखना लाजमी है, क्योंकि इस गांव के महल के उद्घाटन में पूरा का पूरा गांव यहां पर उमड़ आया है। काफी लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किस गांव के महल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी तस्वीरों को देखकर के आप लोगों ने अंदाजा लगा दिया होगा कि ये गांव का महल असल में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये गांव का महल मतलब ग्राम पंचायत है। और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने आज से पहले ऐसी ग्राम पंचायत कहीं नहीं देखी होगी। भला इस प्रकार के महल को ग्राम पंचायत कौन कहे। आमतौर पर ग्राम पंचायत और सरपंच को लेकर कई प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार की किस्से हम लोग सुनते हैं। लेकिन ऐसे भी सरपंच हैं और ये गांव वाले काफी भाग्यशाली हैं कि इनको ऐसा सरपंच मिले हैं जिन्होंने गांव की जो पंचायत है वो किस तरीके की बनाई है, गांव का जो महल है वो किस तरीके का बनाया। अब इस महल के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और मैं इन तमाम मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। अब इस गांव के महल के अंदर हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, जैसे पुराने जमाने में हम लोग देखते थे राजा रजवाड़े के समय जब महल बनते थे उसका जो गेट होता था उसी प्रकार का ये गेट है। और इस गेट के अंदर हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो आप ये फीलिंग आपको आएगी कि हम लोग जो है वो गांव के महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सरपंच का, गांव के मुखिया का ये रूम है। अब तमाम जो लोग हैं वो गांव के यहाँ पर उपस्थित हैं, गांव के जनप्रतिनिधि, आसपास के जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जियो देवी इस गांव के सरपंच हैं, जो अभी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर। ये गांव के बुजुर्ग लोग, तमाम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं। एक एक करके मैं तमाम रूम बताऊंगा और वापस आके इन लोगों से बात भी करूंगा। और उसके ठीक दूसरी तरफ ग्राम विकास अधिकारी का रूम। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं जो गांव के लोगों के लिए, यानी कि सभागार, जरा इसके इंटीरियर को देखिए आप लोग। और सबसे खास बात, इस पूरे के पूरे जो गांव का महल है, मैं इसको ग्राम पंचायत नहीं कह रहा हूं, गांव का महल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव के लोगों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है और ये गांव के लोगों के लिए ही काम आएगा, इसलिए गांव के लोग इतनी संख्या में आए हैं। और जैसे ही इसके सभागार में हम लोग जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए कितना शानदार सभागार यहां पर है। गांव के कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा सभागार तो हमने कभी देखा भी नहीं होगा। यकीन के साथ आप भी सोचेंगे कि ऐसा सभागार कभी होता है क्या कहीं। पूरे के पूरे इस बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल एसी है, बीएसएनएल का कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन है। गांव के तमाम जो लोग हैं सभागार में जब आएंगे, इनके आगे टेलीफोन लगे हुए हैं, हर कोई बात करने के लिए, अपनी मीटिंग करने के लिए इस सभागार में आएंगे। अब तमाम जो रूम है वो दिखाऊंगा, फिर गांव के कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अगर दूसरी तरफ जाएं तो आप यहां देखिए, यहां जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, ये वेटिंग हॉल है। अगर किसी को पर्सनल बात करनी है, कुछ इंतजार करना है, अंदर मीटिंग चल रही है तो इस रूम के अंदर जाकर के आप लोग वेटिंग हॉल भी करें। और ये ग्राम सेवक कक्ष है, ये ग्राम सेवक कक्ष है, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको हम अभी नाम इनका बदला है, हालांकि पहले ग्राम सेवक, गांव के लोग आज भी इनको ग्राम सेवक ही कहते हैं। और अब मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा सर, बैठिए। क्या नाम है आपका और ये ग्राम, क्योंकि मैंने अभी 4 मिनट का वीडियो बनाया, एक बार भी गांव का नाम नहीं बोला है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा गांव है। आप बताएं कौन सा गांव है और क्या कहना चाहेंगे। जी, ये ग्राम पंचायत गुल्ले की बेली है। हाँ, जो पंचायत समिति सेड़वा में पड़ती है, सरहदी क्षेत्र पे है। हाँ, और ये राज्य सरकार की तरफ से तो 48 लाख रूपये की सेक्शन है। हाँ, बाकी तमाम यहाँ गाँव के लोगों और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ राम जी और जन सहयोग के माध्यम से इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। अप्रोक्स लेकर देखें तो ये बिल्डिंग कितना बजट इसका होगा। करीबन ये 1 करोड़ के समथिंग। अच्छा जी, तो कितनी अपने आप में, क्योंकि आप जब बना फोटो वगैरह आए लोगों ने कहा होगा भाई इतनी अच्छी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये
ये 3 साल से यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि उगना राम जी की अथक मेहनत और नवाचार। क्या 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 इसमें बनाया गया, क्या सुविधाएं? इसके अंदर एक भव्य सभागार बनाया गया है जो मीटिंग के लिए अत्याधुनिक है, जैसे जिला स्तर पर है वैसा का वैसा यहाँ बनाया गया है। और यहाँ सरपंच कक्ष अलग है, ग्राम विकास अधिकारी कक्ष है, वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल है, तमाम जो ऊपर 2-3 मंजिल लगा है। बिल्कुल सर, आराम से पूरा ग्राम पंचायत काम यहाँ पर कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ और बातें जो आप जानना चाहते हैं, ये गांव के लोग हैं काफी खुश नजर आए, हर किसी के चेहरे पर आज मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि आज इनका जो महल है वो आज इनके काम आने वाला है। और कुछ और लोग हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा, उसके बाद बाहर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र के सर, इनसे जानते हैं सर, आज जो ये आमतौर पर ऐसा हमने देखा नहीं है इस प्रकार का जो पंचायत भवन है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और कितनी बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लोगों के लिए? आप बैठ रही आराम से। ये सर ग्राम पंचायत गुल्ला की बेरी है, रघुनाथ जी सेड़ुआ पंचायत समिति के उपप्रधान थे पहले, उनकी अभी माता सरपंच है जिया देवी। और पहले निर्विरोध सरपंच चुनी गई थी, अभी दूसरी बार जीती है, और इसका पीढ़ियों से पहले परदादा इनका सरपंच भी रहा हुआ है। ये अच्छे खानदान परिवार है, और ये गुल्ले की बेरी जो ग्राम पंचायत बनी है ऐसी तो बाड़मेर जिले में मैंने कहीं भी नहीं देखी है। इसके लिए मैं रघुनाथ जी की जितनी प्रशंसा करूं, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं इसके में शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच परिवार, उन्होंने गांव के लिए और भी खूब सारे काम किए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र हो, गांव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए, गांव के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए रघुनाथ है जो हम लोगों की सेवा करते हैं, और बहुत अच्छे आदमी, ईमानदार, नेक इंसान है, लोगों की अच्छी सेवा करते हैं, काफी विकास भी कराया है, विकास की काफी पैरवी भी कर रहे हैं, कलेक्टर से मंत्रियों से मिलते रहते हैं, हमेशा लिए गांव के विकास लिए 24 घंटा ये दौड़ते रहते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। बिल्कुल, आप बताएं मोहन जी।